दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आप सीएससी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है सीएससी रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो वहाँ पे आपसे टीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है। टीसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने अप्लाई भी किया था, पेमेंट भी कर दिया और आप एग्ज़ाम भी दे दीजिए, लेकिन अभी तक आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आप भी यहाँ तक कर चुके हैं तो आप किस तरह अपना सीएससी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना सर्टिफिकेट जनरेट हुए, लेकिन आपको इतना करना होगा और आपको ये यूजर नेम जो है ये वाला नंबर आपको होना जरूरी है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर सकते हैं जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए आज हम बताएंगे आपको 2020 में रजिस्ट्रेशन सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको register.csc.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा जिसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, और यहाँ पे सीएससी बीएलई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कराटी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टीसी सर्टिफिकेट नंबर, टीसी सर्टिफिकेट नंबर में आपको यहाँ यूजर नेम मिला है, इस यूजर नेम को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसी यूजर नेम को आप यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट नंबर में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई सा मोबाइल नंबर दे दीजिए, अच्छा रहेगा कि आधार लिंक जो मोबाइल नंबर वही आप यहाँ पे दे दीजिए। याद रखिए जब तक आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तब तक आप सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको वो मोबाइल आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है ताकि वहाँ पर आपको ओटीपी जा सके। तो चलिए यहाँ पर टीसी नंबर देने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कैप्चर को मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में फिलअप कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। चलिए उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना होगा, जो ईमेल आईडी आप सीएससी के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। तो चलिए उस ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर करेंगे, ईमेल आईडी देने के बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, जो भी आपको कैप्चर दिखने को मिले उस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट बटन क्लिक करेंगे आपके ईमेल पे ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे जो आपके ईमेल पे भेजा गया है। ईमेल पे जो ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ फिलअप कर चुके, उसके बाद यहाँ जो कैप्चर दिखने को मिल रहा है इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट बटन क्लिक करेंगे आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शो कर जाएगा, यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर या वीआईडी नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम आधार नंबर ही यहाँ पे इंटर कर देते हैं। आधार नंबर देने के बाद आपका नाम और यहाँ पे जनरल आ जाएगा, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे आधार कार्ड से ले लेगा। उसके बाद आपको बोला स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो एरिया है वो रूरल है या अर्बन है, जो भी आपका एरिया वो यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, जो भी कैप्चर आपको दिखने को मिलेगा उस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे टिक मार्का लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल चेक कर लेंगे एक बार, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल चेक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे टिक मार्का लगा देंगे। उसके बाद देखिए आपके आधार कार्ड में अगर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड तब ईमेल आईडी को टिक मार्का लगाएंगे, नहीं तो ये फेल्ड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ईमेल आईडी को अनटिक कर देते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के से ईमेल आईडी हमारा लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक है, इसलिए एसएमएस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अब रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया गया, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद ओटीपी देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसका कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आपका टीएससी सर्टिफिकेट नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद एक फोटो अपलोड करना है जिसकी साइज 20 KB से कम होनी चाहिए, अगर यहाँ पे आपका फोटो शो कर रहा है तो अपलोड नहीं करना होगा, अगर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो को अपलोड कर लेंगे। ये देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे किशोक नेम दे दें, किशोक नेम में अपना नाम ही दे दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किशोक नेम में अपना नाम दे दीजिए, उसके बाद यहाँ का पूरा एड्रेस देना होगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पंचायत विलेज पिन कोड पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन, इस तरह आपको एड्रेस फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको आ जाना है, उसके बाद यहाँ पॉइंट ऑफ मैप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैप आ जाएगी। तो इस मैप में सबसे पहले आपको अपना आप जो आपका जो शॉप है जहाँ पर है उसको इस तरह जूम करके सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में आना होगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आ चुका हूँ जिसका सीएससी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद आपका जो प्रखंड है उस प्रखंड में आपको पहले जाना होगा। देख लीजिए आपका प्रखंड कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रखंड इस मैप के जरिए ढूंढ लेते हैं। मैप पे आपको अपना नक्शा सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड की नंबर होगी उस पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पे एंटर करना, पैन कार्ड के नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए पैन वेरिफिकेशन 100% हो चुका है, मैच कर गया नेम हमारा पैन कार्ड के नेम से। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल देंगे, बैंक का अकाउंट सेविंग है या करेंट है, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे बैंक का IFSC कोड देंगे, ब्रांच का नाम देंगे, ब्रांच का कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, आपको चेक पे ये मिल जाएगा, अपना अकाउंट नंबर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे चेक को अपलोड कर देंगे, अगर चेक नहीं तो पासबुक भी आप अपलोड कर सकते हैं जिसकी KB 10 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है 10 से 40 KB के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा चीज़ फिलअप करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे KYC डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर लेंगे जिसकी KB आपको 10 KB से 80 KB के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे टिक मार्कर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे सबमिट हो जाता है, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है, उसके बाद आपका जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये रिसिप्ट हो गया, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट या सेव कर सकते हैं। तो प्रिंट कर सकते हैं या आप सेव भी करना चाहते, चलिए मैं फिलहाल इसे अभी सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। इसी तरह आप किसी का भी CSC रजिस्ट्रेशन आप बिना TEC सर्टिफिकेट नंबर का, TEC का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूजर नेम, उसी से आप कर सकते हैं। अभी जो मैंने अप्लाई किया इसका सर्टिफिकेट नंबर नहीं आया, इसी यूजर नेम से मैंने अभी आपके सामने ये CSC रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया हूँ आपको।